नियमित तौर पर गश्त और चेकिंग करने वाली पुलिस को परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। नियमित चेकिंग करने का ही नतीजा है कि महाराजगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो लग्जरी वाहनों से 88.5 किलोग्राम चरस बरामद की है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जनपद महाराजगंज पुलिस ने दो वाहनों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में भी सफलता पाई है। उनके कब्जे से 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जिले के कोल्हई पुलिस ने यह सफलता कोल्हई चौराहे पर पाई है। आइए पहले सुन लेते हैं कि प्रकरण में एएसपी आतिश कुमार सिंह का क्या कहना है। ये जनपद महाराजगंज में थाना कोल्हई क्षेत्र में आज मुखबिर की सूचना पे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों व्यक्ति 2 चार पहिया वाहनों से थे और वाहनों की तलाशी में उनके पास से लगभग 88.5 केजी चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ये तीनों व्यक्ति क्रमशः, इसमें 2 गोरखपुर के रहने वाला है और 1 शाहजहांपुर का है। जो इनसे पूछताछ हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि ये कैरियर का काम करते थे और जो दोनों गाड़ियां हैं वो क्रमशः लखनऊ और गाजियाबाद के नाम से रजिस्टर्ड है, वहाँ की किसी वाहन स्वामी के बारे में, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। और इन्हें इस पूरे प्रकरण में, चूँकि ये कैरियर का काम करते थे, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये इन्हें पैसे मिलते थे। और अभी इस पूरे प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है। वाहन स्वामी के बारे में जानकारी करने के अतिरिक्त जो अन्य इसमें दोषी हैं उसके बारे में जांच कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उधर यह भी बताया जाता है कि चरस की खेप 2 लग्जरी कारों में छुपाकर तस्कर शामली ले जा रहे थे। पुलिस को इसकी सटीक सूचना मिली तो कुल्ही चौराहे पर पुलिस ने दोनों वाहनों की घेराबंदी कर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान ही दोनों वाहनों से 88.5 किलोग्राम चरस बरामद हुआ। तस्करों के मुताबिक उन्हें नौतनवा में किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें गाड़ी सहित चरस की खेप दी। उन्हें शामली पहुंचाने के लिए बताया गया, इसके बदले में उन्हें 20,000 रुपए मिलते। गिरफ्तार किए गए तस्करों के मुताबिक उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से दिशा निर्देश मिल रहा था। बताया जाता है कि चरस की यह बड़ी खेप नेपाल से भारत आ रही थी, जिसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाने से पहले ही बरामद कर लिया गया। बताते चले कि चरस एक वह मादक पदार्थ है जिसके पीते ही तुरंत नशा होता है और आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। यह गांजे और भांग की अपेक्षा बहुत अधिक हानिकारक होता है और इसके सेवन से मस्तिष्क में विकार आ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चरस के सेवन से मनुष्य की जिंदगी दांव पर लग जाती है। इसकी लत जिसे लगती है उसे मुश्किल से ही छुटकारा मिल पाता है। फिलहाल महाराजगंज के द्वारा बरामद की गई भारी मात्रा में चरस से या तो माना ही जाने लगा है कि नेपाल के रास्ते बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी का काम तस्करों द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।